हाय एवरीवन, तो ये वीडियो बनाने के लिए आपको काइन मास्टर और नूड एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले आप काइन मास्टर को ओपन कर लीजिए और यहाँ से क्रिएट ए न्यू पर क्लिक करके 16:9 का रेशियो लेकर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड इमेज ले लेना है और जितना बड़ा आप स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं उतना बड़ा आपको कर लेना है, देख सकते हैं। और इसे थोड़ा जूम कर देना है दोनों हाथों से। उसके बाद सॉन्ग को आपको ऐड कर लेना है, जिस भी सॉन्ग से आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो चलिए हम सॉन्ग को ऐड कर लेते हैं। तो सॉन्ग को ऐड कर लेने के बाद इसे प्ले करके लिरिक्स को सुन लेना है और उसके बाद लेयर के ऑप्शन पे जाके, टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाके उसे आपको टाइप कर देना है, जो भी आप लिरिक्स हैं। तो चलिए हम उस लिरिक्स को लिख लेते हैं और लिख लेने के बाद इसे आपको थोड़ा जूम कर लेना है, देख सकते हैं। और डबल ए पर क्लिक करके लैटिन के ऑप्शन पे जाके आपको यहाँ पर इस फॉन्ट को ऐड कर लेना है, देख सकते हैं। और इसे आपको स्लाइड करके यहाँ पर कॉर्नर पर रख देना है और इसमें स्लाइड राइट कर देना है, देख सकते हैं। इस प्रकार इफेक्ट आएगा, आपको अच्छी तरीके से एडजस्टमेंट कर लेना है। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इसे 3 डॉट पर जाकर आपको इसे डुप्लीकेट ले लेना है और फिर आपको इसे एडिट के ऑप्शन पे जाके सेकेंड जो लिरिक्स है उसे आपको टाइप कर लेना है। तो चलिए हम टाइप कर लेते हैं और इसको आपको स्लाइड करते हुए यहाँ पर लेफ्ट की तरफ कर लेना है, देख सकते हैं। और इसके बाद आपको इन एनिमेशन में इसमें कर देना है स्लाइड लेफ्ट, तो इस प्रकार का आपका इफेक्ट बनेगा। तो चलिए इसे अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट कर लेते हैं दोनों को बीचों बीच। इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पर लेयर के ऑप्शन पे जाके एक वीडियो को एक फ़ोटो को ऐड करना है, देख सकते हैं। इस फोटो का जो इसका लिंक दे दूंगा या फिर टेलीग्राम से भी लोड कर सकते हैं। तो इस फोटो को अच्छे तरीके से हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और इन एनिमेशन में आपको यहाँ पर कर देना है स्लाइड डाउन, देख सकते हैं। इस प्रकार होगा, तो जो पहला लिरिक्स है वो कुछ इस प्रकार से बन के क्रिएट होगा और जहाँ तक लिरिक्स जाएगा उतना दूर रखना है, उसके बाकी पार्ट को कट कर देना है जो लेयर है। तो यहाँ पर आ रहा है, इसके बाद हम बाकी पार्ट को स्प्लिट ऐड प्लेहेड कर देना है, मतलब कि थर्ड नंबर ऑप्शन कर देना सभी को। और उसके बाद आपको सेकंड में जो लिरिक्स आएगा उसे आपको लिखना है एडिट के ऑप्शन पे जाके, तो जो आएगा उसे आपको एडिट के ऑप्शन पे जाके एडिट कर लेना है। तो चलिए हम कर लेते हैं और फिर आपको सेकंड में जो बोर्ड आए उससे भी आपको एडिट कर लेना है। तो एडिट हो जाने के बाद गाइस देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो इसी प्रकार से आपको सभी लिरिक्स को कम्प्लीटली क्रिएट कर लेना है। तो चलिए हम फटाफट क्रिएट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका लेयर कम्प्लीटली क्रिएट होगा। इसके बाद आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आपको नूड एप्लीकेशन में जाना है और प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे जाकर आपको यहाँ पर रेड कलर के प्लस पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपको मीडिया के ऑप्शन पे जाके, वीडियो के ऑप्शन पे जाके आपको उस वीडियो को ऐड कर लेना है जिस वीडियो से आपने काइन मास्टर में एक्सपोर्ट किए हुए। तो चलिए हम उस वीडियो को ऐड कर लेते हैं और ऐड हो जाने के बाद आपको यहाँ पर प्ले करके देख लेना है और उस प्रकार आपको यहाँ पर सफ़ेद कलर के जो प्लस का आइकन है वहाँ पर जाना है और एसेट स्टोर पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर आ जाने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं ग्लो स्कैन जो 2 नंबर पे है उसे ले लेना है और इसके कलर को चेंज कर लेना है। तो चलिए हम कर लेते हैं। आप जो भी कलर यूज करना चाहते हैं वो कलर यूज कर सकते हैं और उसके बाद आपको इसके इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ा लेना है, 1.2 कर लेना। और उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं फिर से प्लस पर जाना है, उसके बाद आपको एसेट स्टोर पर क्लिक करना है, उसके बाद नेचर के ऑप्शन पे जाना है, देख सकते हैं। उसके बाद रेन ड्रॉप्स लगा लेना है, उसके बाद फाइनली जो आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद होम के बाद 2 नंबर में जो ऑप्शन मिल रहा है उस पर क्लिक करना है, उसके बाद प्ले कर देना है। उसके बाद आपका जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट होने लगेगा, देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।